हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आज्ञा के बिना चली आई, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। पति पत्नी के बीच ऐसी औपचारिकता क्यों? पति और पत्नी के अधिकार को किसी आज्ञा की आवश्यकता नहीं। नहीं, मैं पत्नी का अधिकार नहीं मनवाने आई नाथ, मैं तो केवल इतना पूछने आई हूँ कि मेरी किस त्रुटि, किस दोष के कारण मेरे स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है। ये तुम्हारा भ्रम है प्रिये, मैंने तुम्हारा परित्याग नहीं किया है। तुम तो जानती हो मैं नंदीग्राम किस कारण आया हूं। जानती हूं स्वामी, जानती हूं, परंतु आपके इस कर्तव्य पालन में सहयोग देने से आप मुझे क्यों वंचित कर रहे हैं? मेरा भी कर्तव्य है कि मैं आपकी इस कठोर तपस्या में अपना पूरा साथ दूं। स्वामी, जिस प्रकार सीता दीदी को वन में अपने स्वामी की सेवा का अधिकार बड़े भैया को देना पड़ा, आज उसी प्रकार आपकी सेवा का अधिकार मैं आपसे मांगती हूं। मैं भी आप ही की भांति तपस्वी वेश बनाकर रहूंगी, सारे व्रत नियम निभाऊंगी और आपके प्रत्येक कार्य में अपना पूर्ण सहयोग दूंगी। नाथ, मेरी सेवा, मेरे संयम में आप कभी कोई त्रुटि नहीं पाएंगे स्वामी। बस आपके दर्शनों का सुख मिलता रहेगा मुझे, इतना सा सुख तो मुझसे मत छीनिए स्वामी, इतना सा सुख तो मुझसे मत छीनिए। तुम मेरी तपस्या, मेरे कर्तव्य में सहयोग देने की बात केवल मुंह से कह रही हो देवी, परंतु कार्य उसके विपरीत कर रही हो। और ये मैं विपरीत कार्य कर रही हूँ, ये कैसे कह दिया आपने? हाँ, सहयोगी तो वही होगा जो मेरा कार्य बांट ले, जिस कर्तव्य को मैं पूरा न कर सकूं उस कर्तव्य को पूरा कर दे। नाथ, वही तो मैं भी कह रही हूं, परंतु आप मुझे उसका अवसर तो दीजिए। कहिए, आपका कौन सा कर्तव्य अधूरा पड़ा है जिसे मांडवी पूरा कर सके? माता कौशल्या की सेवा। हां मांडवी, उनका इकलौता पुत्र वनवास काट रहा है, उनकी बहू भी उनके पास नहीं है, इस समय उनकी सेवा कौन करेगा? पुत्र वियोग की ज्वाला से जब वो पीड़ित होंगी तो उन्हें सांत्वना कौन देगा, उन्हें ढाढ़स कौन बंधाएगा, उनके आंसू कौन पोछेगा? ये सारे मेरे कर्तव्य हैं जो तुम्हें निभाने चाहिए। अपने सुख की बात भूल जाओ मांडवी, इस समय हम दोनों को दूसरों के दुख बांटने चाहिए। यदि तुम सचमुच मुझे सहयोग देना चाहती हो तो राजमहल लौट जाओ और माता कौशल्या की सेवा में डूब जाओ।
मांडवी, तुमसे दूर रहकर पीड़ा तो मुझे भी बहुत होगी, परंतु इस समय हमारी पीड़ा हमारे कर्तव्य के आगे बहुत गौण है। आप धन्य हैं आर्य, आप धन्य हैं। मुझे आप पर गर्व है आर्य, मुझे आप पर गर्व है।